बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का उन्वान है ग़ज़वा-ए बद्र, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा सैयद वक़ास हुसैन शाह काज़मी। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर मेहरबानी फरमाई और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ एक मारूफ सना खां तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब मसूद अनवर चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। शाह जी, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि ये जो ग़ज़वा बद्र है, ये इस्लामी तारीख़ की पहली बाकायदा जंग है, और इसकी इस्लामी तारीख़ में एक अहमियत भी है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये इस्लामी तारीख़ की अहम तरीन जंग है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा एक लश्कर लेकर मुकाबले के लिए, जहाद के लिए सरकार रवाना हुए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन के लिए ये बयान फरमाएँ कि ग़ज़वा बद्र के असबाब क्या थे, इसका पस मंज़र क्या था। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी शाह साहब, मैं आपका मशकूर ममनून हूँ और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू और इस प्रोग्राम के अरेंज के लिए हक न्यूज़ चैनल और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें ग़ज़वा बद्र, इसमें कोई शक नहीं कि ये हक और बातिल की ये जो मार्का हुआ, ये पहला बाकायदा मार्का है जिसमें सच और झूठ की तमीज़ को वाज़े किया गया। एक पूरे इस्लाम और पूरे कुफ़र की जंग थी जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई, लेकिन इसका कोई बाकायदा तैयारी के साथ या जंग के इरादे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारान के साथ बाहर नहीं निकले थे। आपका मकसद सिर्फ़ उन काफ़िलों को रोकना था कि जो शाम से मक्कातुल मुकर्रमा में कुफ़ार और मुशरिकीन के आया करते थे, और उसमें वो अपनी तजारत और माल का एक वाफर हिस्सा अपनी जंग के लिए उन लोगों ने मुंतखब किया हुआ था, जिससे वो असलहा तैयार करते, जिससे वो सवारियाँ ख़रीदते, जिससे वो तीर और तलवार और कमाने, इन चीज़ों को ख़रीदते ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाए। गोया कुफ़ार उस तजारती काफ़िले के ज़रिए तैयारी कर रहे थे मदीना शरीफ पर हमले के लिए, एक लश्कर तैयार करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको रोकने के लिए आप बाहर निकले, और इस वक्त जिस काफ़िले का तअक़्क़ुब करना मकसद था, तो इस काफ़िले को जो कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ से लीड कर रहा था वो अबू सुफियान थे। उन्होंने इसको वो लीड कर रहे थे, और फिर इस काफ़िले को जिसमें कुफ़ार और मुशरिकीन के तकरीबन हर घर के माल तजारत साथ मौजूद था, और फिर वो सारों का हिस्सा उसमें शामिल था। उसकी जब ख़बर पहुंचती है तो मक्कातुल मुकर्रमा में अबू सुफियान ने एक बंदा भेजा कि जिसने जाकर ये ख़बर दी कि आप आएँ, मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो चाहने वाले जानिसार हैं, तो वो इस माल तजारत को लूटना चाहते हैं, आप आकर बचाएं। ये इसका वो रीज़न था। तो अबू जहल जो मौका तलाश करता था हर वक्त दुश्मनी इस्लाम का और दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसने लश्कर जर्रार तैयार किया, जिसमें जंगजू भी थे और उनके माल और असबाब भी था। तो वो 1000 का लश्कर जर्रार निकला। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर होती है कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, तो फिर उस मौके पर ये बदर का वाक़या रुनुमा होता है। अब देखते हैं कि ये जो जंग लड़ी गई, इसमें कुफ़ार की तादाद 1000 के करीब थी, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके 313 जान नसार थे। कुफार के पास असलहा भी ज़्यादा था, उनके पास वसाइल की भी कसरत थी और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर था सब के पास सवारियाँ दस्तियाब नहीं थी, असलहे की किल्लत थी। तो इस जंग के मौके पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली क्या थी? इसमें हम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को भी अप्रिशिएट करेंगे। आले बैत अतहार के जो जितने भी नफूस कुदसिया थे उनका जो वहाँ पर शामिल होना था वो भी काबिल तहसीन है। और हम खराज तानियत और अक़ीदत पेश करते हैं कि उस वक्त जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इस बात को भांप लिया कि अब जो है ये जो एक सिलसिला है ये एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। हालांकि बज़ाहिर मुसलमान इस पोजीशन में न थे, ना उनके पास इफरादी कुव्वत थी, ना उनके पास असलहा था, ना उनके पास सवारियाँ थी कि जिसके मुकाबले में वो इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करते। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है, आप हमेशा अहम किसी भी फ़ैसले से पहले मशवरा आप ज़रूर फरमाया करते थे। आपने सहाबा कराम मुआजरीन भी हैं, अंसार भी हैं, उनको बुला कर आपने उनसे मशवरा तलब फरमाया कि आप क्या कहते हैं, अगर ये कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर है तो इसके साथ हमें जिहाद करना पड़े, जंग करनी पड़े, तो हम आपके इस बारे में क्या राय है? तो फिर सारे अपने जो है मशावरत पेश करते रहे। फिर सरकार का बार बार इरशाद फरमाना कि या युहन्नास शेरो कि ए लोगों मुझे मज़ीद मशवरा दो, मज़ीद मशवरा दो। तो हज़रत साद फिर उस वक्त खड़े हुए तो आपने अर्ज़ के या रसूलल्लाह मैं समझता हूँ कि आपका इशारा हमारे जो है कबीला की तरफ है। सरकार ने फरमाया मैं यही चाहता हूँ कि आप बताएं। उस वक्त जो हज़रत साद के तारीख़ी अल्फाज थे तो आपने फरमाया था कि हम जो है अगर आप हमें दरिया के अंदर घोड़े डाल देने का भी हुक्म इरशाद फरमाएंगे तो हम उसमें भी कूद जाएंगे। हमारे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जाएं और आपका रब जाके लड़े, बल्कि हम अपनी जानें आपके लिए निछावर कर देंगे, हमारी हर चीज़ आपके लिए वो कुर्बान है। और फिर ये इससे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े खुश हुए, मुसरत का इजहार किया, दुआएँ इरशाद फरमाई। और यहीं से फिर आपने ये फ़ैसला लिया कि आज कमज़ोरी दिखाने का मौका नहीं है, बल्कि इस्लाम की ताकत, कुव्वत और पावर के इजहार का मौका है। जब आप बाहर निकले और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके फिर अल्लाह ने भरपूर मदद फरमाई और फ़तेह मुबीन आपको नसीब हुई। सुभान अल्लाह। शाह साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगा। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक नात शरीफ का और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ सना खां मसूद अनवर चिश्ती साहब। तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप हमें हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनाएं। खाक मगर आलमे अन्वार से निस्बते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेकिन मेरी सरकार से निस्बते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेकिन मेरी सरकार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलम मैं जिनसे वफा हूँ, मुझे कौन खरीदेगा। मैं जिनसे वफा हूँ, मुझे कौन खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है। हूँ खाक मगर आलम है रोज अजल से मेरी घुटी में वफाएं हैं रोज अजल से मेरी घुटी में वफाएं के अहबा से अलमदार से निस्बते हैं नाज़ा हूँ के अहबा से अलमदार से निस्बते हैं हूँ खाक मगर आलमे दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकरे पर दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकरे पर कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बते हैं कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बते हैं मैं कुछ भी नहीं लेकिन मेरी सरकार से निस्बते हैं माशाअल्लाह। आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शाह जी, वक्फे पर जाने से पहले आप बयान फरमा रहे थे कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह आप लश्कर को तैयार करके मदीना तैयबा से इस काफ़िले को रोकने के लिए रवाना होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो जंग लड़ी गई, जिस तरीके से सहाबा-ए-कराम ने जान नसारी का मुजाहरा किया, जुर्रत का मुजाहरा किया। बिलखसूस हज़रत सैयद अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस जुर्रत के साथ, जिस जानबाजी के साथ अपने जोर मैदान जंग में दिखाए, मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ मनाजर आप नाजरीन के लिए बयान फरमाएँ। जी, जब जंग शुरू होती है तो इसमें चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पसालार आज़म है और आपकी हिकमत जो है हमेशा पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है और हमेशा करती रही है, तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सहाबा कराम की ड्यूटियाँ तकसीम फरमाई। उसमें जब आप उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ मुसलमान उन्होंने ठहरना था और अपना पड़ाव वहाँ पे करना था, तो एक कुएँ पर आप रुकते हैं, तो हज़रत हुबाब बिन मुंज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु वो तशरीफ़ लाते हैं और अदब भी कमाल था। आपने आकर अर्ज़ किया, ये नहीं कहा कि हुज़ूर इसको आप छोड़ दें, आकर अर्ज़ करते हैं क्या हुज़ूर, क्या अल्लाह का हुक्म है कि आप इसी जगह पर रुकें और इससे आगे और पीछे आप नहीं जा सकते? तो सरकार ने फरमाया नहीं, ये जंगी हिकमत अमली है, इसमें गुंजाइश मौजूद है। फिर अर्ज़ करते हैं कि अगर हम इन सारे कुओं को पसे पुश्त रख दें और आखिरी में जाकर इनको हम बंद कर दें और उसको अपने इस्तेमाल के लिए रख लें, सरकार ने पसंद फरमाया और वहाँ पर आप तशरीफ़ ले जाते हैं। इसमें फिर वो बारिश का भी मंज़र देखा गया जिसमें अल्लाह ताला की तईद वहीं से उतरना शुरू होगी और सहाबा कराम पर फिर नींद को तारी किया जाता है जिससे वो फ्रेश हो जाते हैं और ताज़ा दम हो जाते हैं, और ये भी एक उनकी अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद थी। फिर आगे चल के जब जंग का वो सिलसिला शुरू होता है तो उधर से उतबा आ रहा है, शैबा आ रहा है, वलीद आ रहा है और आकर ललकारते हैं। जब कुछ अंसार को हुजूर भेजते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें जो अपने कबीला कुरैश के नौजवान चाहिए, ये हमारे बराबर के नहीं हैं। तो फिर जब बराबर के निकले तो दुनिया ने उनको देखा, एक तरफ हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली पाक और हज़रत उबैदा निकलते हैं, तो फिर हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत मौला अली पाक ने तो एक आने वाहिद के अंदर उनको वासिल जहन्नम कर दिया मुकाबले वाले कुफ़ार को, और हज़रत उबैदा जो है इसमें आप ज़ख्मी भी हो गए थे, फिर मौला अली पाक ने उसका काम तमाम भी कर दिया। तो ये सरदारान कुरैश का जब यूं कत्ल हुआ तो इससे उनके हौसले भी टूटे। तो ये भी फिर देखने को मिला जो शैतान जो सराका की शक्ल में उनके साथ जो है इब्लीस था, उसने जब मलाइका को उतरना देखा तो वो भागना शुरू हो गया, ये भी अल्लाह ताला की मदद थी। और फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से एक अरीशा, एक ख़ास आपका वो चबूतरा बनाया जाता है जहाँ आप आराम फरमाएँ, और उसमें मौला अली पाक फरमाते हैं कि जब मैं जंग में जाता इश्क कितना था, वापस लौट के दिल करता जाके ज़ियारत करूं, तो मैं आकर देखता अल्लाह के नबी सर सजदे में है और आपकी ज़ुबान अकदस पर या हय्यू या क़य्यूम के कलिमात जारी हैं। आप फरमाते मैं दोबारा जंग में लौट जाता हूं और दाद शुजात देते हुए फिर वापस आता हूं, जाके ज़ियारत करूं, फिर कैफियत वही है। तीसरी बार आप लौट कर आते हैं और फिर वही कैफियत है, दुआएँ की जा रही हैं। और इसी मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का भी वो फरमान कि आपके कंधों से वो कमली मुबारक गिर जाती है और आप अपने सीने से लगा कर कहते हैं कि आज तक मैंने किसी को अपनी ज़ात का अल्लाह की बारगाह में इस तरह वास्ता देते हुए नहीं सुना, जिस तरह आपने इरशाद फरमा दिया है। आप बस फरमाएं और अल्लाह ज़रूर आपसे वादा पूरा करेगा और मदद होगी। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बदर के मौका पर जंग से पहले आपने ये बशारत दे दी थी कि सिद्दीक़ आपको सारे जितने हमारे साथी उनको मुबारक हो कि अल्लाह की मदद आ चुकी है, और फिर आपने एक दिन पहले ही वो निशान भी लगा दिए थे कि कल ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद हों, और ये नबी की ज़ात ही कर सकती है और उनके फ़िज़ान से अल्लाह के वली कर सकते हैं कि आपने एक दिन पहले बता दिया कि फ़लाँ काफिर की लाश इस जगह पर गिरेगी, फ़लाँ ने इस जगह पर गिरना है और फ़लाँ की लाश इधर होगी। और सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वल्लाही अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है कि हमने जब जंग के अख्ताम पर देखना चाहा कि नबी की बशारत ताकि हमारे ईमान मज़ीद मजबूत हों, तो सरे मुँह किसी का भी इन्हराफ नहीं पाया गया, हर एक उसी जगह पर गिरा जहाँ मेरे नबी ने फरमाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा अल्लाह के महबूब का मौज़ा था जी। किबला शाह जी, ये हम देखते हैं कि इस गज़वा में कई साहबा ने जुर्रत का और जानसारी का मुजाहरा किया और मसाले कायम की। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के एक साहबी थे और उनके बारे में आता है कि सरकार जब उस साहिबान से निकलकर मैदान में तशरीफ़ लाए, जब जंग बड़ी शिद्दत के साथ जारी थी, तो सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें सरकार ने ये फरमाया कि जो इसमें शहीद होगा उसके लिए जन्नत है। तो हज़रत उमर के हाथ में उस वक्त खजूर का खोशा था और खजूरें तनावल कर रहे थे। जब उन्होंने सरकार की बात सुनी तो खजूरें ज़मीन पर फेंक दी और कहने लगे गोया मेरे और जन्नत के दरमियान रुकावट यही है कि इन कुफार में से कोई काफिर मुझे कत्ल कर दे, बस ये कहते हैं और तलवार लेके मैदान में चले जाते हैं तो अल्लाह शहादत अता फरमा देता है। तो ये जज्बा था। और दूसरी जो बात आपने बयान फरमाई कि जिस तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार ने पहले निशान लगा दिए थे कि फ़लाँ कातिल इस फ़लाँ काफिर इस मकाम पे गिरेगा, वहाँ पे यहाँ पे कत्ल होगा। तो जिस तरह आपने फरमाया था दूसरे दिन उसी तरह पेश आया, ये भी सरकार का एक मुआजज़ा है। और इसके अलावा भी कई मुआजज़ात बदर के मार्के में पेश आए, तो उन मुआजज़ात के हवाले से भी ज़रा नाजरीन को आगाह फरमाइए कि ये बदर की जंग में, बदर के मार्के में कौन कौन से मुआजज़ात का ज़ोर हुआ। जी ज़रूर, उसमें सबसे बड़ी जो बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसका ज़िक्र कर रहा है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और इसमें फिर आगे चल के 1000 मलाइका के नज़ूल का ज़िक्र है, फिर आगे 3000 मलाइका के नज़ूल का ज़िक्र है, फिर आगे 5000 मलाइका। ये सिर्फ इसलिए था कि वगरना एक जिब्राइल जो क़यादत कर रहे हैं वो सारे काफ़िरों के लिए काफ़ी थे, लेकिन ताकि ये एक नबी की अज़मत का इजहार भी था और उनकी दुआ की इजाबत भी थी। और फिर अल्लाह ताला की मदद इस अंदाज से थी कि अल्लाह ताला कैसे अपने नबी के साथ, जितना वो लश्कर है कुफ़ार का तो उससे जाहिद अल्लाह ताला मलाइका को उतार रहा है। और फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसी साहिबान के अंदर, अरिशा मुबारक के अंदर आपने बशारत दे दी थी कि वो देखो मैं जिब्रील को देख रहा हूँ, जर्द रंग का इमामा सर पे पहना है और आप जो है अपनी सवारी पे तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ मलाइका की एक बहुत बड़ी सफ़ है। तो इसी मौके पर जो हुजूर का नज़्म ज़ब्त था, और इसमें ऐसे वाक़यात भी जो इश्क और मोहब्बत पर मबनी हैं वो भी रुनमा हुए और वो हमारे लिए दरसे हिदायत भी हैं। इश्क व मोहब्बत जी, हज़रत सवाद रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सफ़ें सीधी करवा रहे हैं तो उनको आपने तीर से थोड़ा पीछे किया, तो उनका इश्क एक निराले अंदाज का था। अर्ज़ करने लगे हुजूर आप तो अदल इंसाफ़ के शहंशाह हैं, तो मुझे इससे अजियत हुई है तो मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो सरकार ने ज़रा खोल दी और आपका जो पिराहन मुबारक था, कुर्ता मुबारक था, उसको ऊपर कर लिया और बग़ैर इसके कि वगरना सिपा सालार के सामने हालत जंग में कोई सिपाही बोल पड़े तो उसका तो कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसे तो निकाल दिया जाता है, पर आपने बग़ैर इसको अपनी तौहीन या गुस्ताखी समझने के आपने आप फरमाया कि आप बदला ले लें। पर वो सहाबी लिपट पड़े, बोसे लिए। सरकार ने फरमाया ये क्या है, कैसे मुकद्दर वाले साबित है। तो इतनी शान वाले, अर्ज़ की हुजूर हालात आपके सामने, वापस जाना है या नहीं जाना ये अल्लाह जानता है, पर मैं ये ख्वाहिश कर रहा था कि शहादत से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से मस हो जाए। और ये कमाल मोहब्बत थी जिसको अल्लाह ने कबूल किया। जी, मैं समझता हूँ कि आपने ये बड़ी खूबसूरती के साथ ये वाक़या बयान किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की इस्लाह भी है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि उलमा इकराम और उलमा तो खैर शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ वाइज़ीन और बाज़ जो नकीब हैं महफ़िल के, वो बाज़ात ये वाक़या ज़रा एक और तरीके से बयान कर देते हैं जिसका किसी किताब में या किसी जगह पे भी कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि आपने ये वाक़या इस हवाले से कि ये किस तरह पेश आया वो आपने बयान फरमा दिया। तो बातें तो खैर इस हवाले से बहुत हो सकती हैं ग़ज़वा बदर के हवाले से, लेकिन फिर वही कि वक्त की कमी आड़े आ रही है और प्रोग्राम के अख्ताम में हमने एक बार फिर जनाब मसूद अनवर साहब की तरफ चलना है और आप हमें सरकार की नात सुनाते हैं, तो क्या सुना रहे हैं जी आप? मेरे सिर ते करम जी छा मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल बरिया मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख देने कसम रब दी भरम मेरा नबी हर हाल रख देने मैं पंजतन पाक दानो कर हाँ इसलिए मेरे आका मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने मेरे सिर हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने जिया मंगता जे दे दरदा बड़े आली शहनशाह ने ओ महरम मेरे दिल देने मैनू खुशहाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने। माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़े धीमे लहजे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत शरीफ पेश की। अल्लाह करीम आपको मज़ीद इज़्ज़तें अता फ़रमाए और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह करीम मज़ीद बरकत पैदा फ़रमाए। शाह जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेहरबानी फ़रमाई और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आपने वाक़या बदर के हवाले से इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू की। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। आपका भी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाई। नाज़रीन हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।